हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, ये है पेंसिल होल्डर। जी हाँ, ये टेडी बियर पेंसिल होल्डर है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में पेन पेंसिल सीखा था साथ, तो हम इस वीडियो में टेडी बियर पेंसिल होल्डर लाए। तो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जरूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मटेरियल देख लेते हैं हमें क्या चाहिए। ये है OHP सीट, ये 10 mm क्विलिंग स्ट्रिप, इस तरह की वाइड स्ट्रिप। फ्रेंड्स, हमें ये फ्रीज कटिंग चाहिए टेडी बियर के लिए, और ये है 3 mm की क्विलिंग स्ट्रिप। ट्वीजर, टूल, ग्लू, हमें बस इसमें इतने ही मटेरियल्स चाहिए। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जो टेडी बियर का बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा। मैंने यहाँ पे 3 mm क्विलिंग स्ट्रिप लिया है, और उसको एक स्ट्रिप को मैंने 4 पार्ट में कट किया है, और मैं इसे रोल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रोल कर लें, और इस तरह के आप 50 पीसेस बना लें। फ्रेंड्स, इस तरह का बनाना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना पहले से ही रेडी करके रख लिया है, मैं बस इसे स्टिक करूँगी। मैं अपना ट्रीजर बॉक्स दिखा रही हूँ, देखिए इसमें मैंने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है इस तरह से, और मैं जा रही हूँ इसे स्टिक करने। आप पहले से ही इसे बना के रख लें ताकि आसानी हो आपको। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का राउंड शेप बना रही हूँ ये 10 mm की स्ट्रिप से। मैं ये राउंड इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो डायमीटर लिया है पेंसिल होल्डर का, वो 6 सेंटीमीटर का ही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ये राउंड शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 रिंग्स रेडी किया है, और इसका यूज बाद में होगा। अभी मैं यहाँ पे OHP सीट ले रही हूँ, जिसको हम कट करेंगे हाफ। उसके बाद हम इस OHP सीट को राउंड शेप देंगे। फ्रेंड्स, मैंने बराबर कट करने के बाद मैं राउंड शेप दे रही हूँ, और इसको मेज़र कर रही हूँ ये 6 सेंटीमीटर के डायमीटर में। तो फ्रेंड्स, ये 6 सेंटीमीटर का राउंड बन रहा है। अब इसको हम ग्लू से स्टिक करेंगे, उसके बाद हम इसको रैप करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डबल लेयर लिया है OHP सीट के। फ्रेंड्स, मैंने एक 6 सेंटीमीटर का राउंड रिंग बनाया 10 mm के स्ट्रिप से, इस तरह से स्टिक करके मैंने उसे बनाया। और फिर मैंने उसके ऊपरी लेयर से, आप देखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बाहरी लेयर से उसको स्टिक किया है OHP सीट को। अब हम ये वाइड स्ट्रिप को जो हमने कट किया था, अब इसको हम आउटर लेयर से इसको रैप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रैप करने से ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फ्रेंड्स, जो ये बेस है उसे बनाना ज़रूरी है, और इस तरह का आप बनाने के बाद ही स्टिक करिएगा। ये बेस थोड़ी हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पेंसिल होल्डर अच्छे से स्टैंड हो सकता है। तो इसलिए हमें ये थोड़ी हैवी 10 mm की स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। 10 mm की स्ट्रिप ना हो तो उसे कट कर लें सीजर से, ये आसानी से बन जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मटेरियल यूज किया है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर देखें, आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्लू अप्लाई कर रही हूँ, और इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे, और इसको थोड़ी देर ड्राई होने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका टेडी बियर रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने टेडी बियर पहले से रेडी कर रखा है, मैं अब बस गुगली आइज इनको लगाना है। फ्रेंड्स, टेडी बियर बनाना सीखने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखिए, और आपको अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कैसे बनाना है टेडी बियर। तो मैंने यहाँ पे उसी प्रोसेस से बना के रेडी किया है। अब मैं गूगली आईज स्टिक कर रही हूँ।
फ्रेंड्स टेडी बियर रेडी हो चुके हैं, अब है बारी पेंसिल होल्डर की। तो मैं इस पे अब ग्लू अप्लाई कर रही हूँ और इस रिंग को मैं उस पे स्टिक कर दूंगी। फ्रेंड्स स्टिक होने के बाद इसे ड्राई होने दें। अब ये ड्राई हो चुका है, इसके अपर लेयर पे हम ग्लू अप्लाई कर इसके बाद हम टाइट क्वाइल स्टिक करेंगे। इस तरह से मैं इसको स्टिक कर रही हूँ। फ्रेंड्स वन बाय वन ऐसे ही स्टिक करते जाएंगे पूरे में। फ्रेंड्स ये मेरा होल्डर रेडी हो चुका है। उसके बाद हम टेडी बियर के बैक साइड में ग्लू अप्लाई कर रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इस तरह से हमने 5 टेडी बियर को स्टिक करना है। मैंने यहाँ पे अपना सारे टेडी बेयर को स्टिक कर लिया है। अब इसे हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये ड्राई हो रहा है, इसके बाद ये मेरा रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीखा ट्रांसपेरेंट टेडी बेयर पेंसिल होल्डर कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में सीखा आपने कि कैसे हम पेपर से पेन बनाते हैं विथ टेडी बेयर। फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बी क्राफ्टिंग।